जो डिवाइस है दोस्तों Redmi ब्रांड की है, बैक साइड में आप देख सकते हैं Redmi की ब्रांडिंग है। मॉडल नंबर आपको बता देता हूँ, मॉडल नंबर है Redmi Note 12। ध्यान से सुन लीजिए, मॉडल नंबर है Redmi Note 12। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा Redmi Note 12 का FRP बाईपास करने का तरीका, यानी कि डिवाइस का Gmail ID लॉक रिमूव करने का तरीका या Google अकाउंट लॉक रिमूव करने का सबसे लेटेस्ट तरीका। आप देख सकते हैं डिवाइस का सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट MIUI 14 से अप टू डेट है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तरीका से आप Redmi के उन सारे मोबाइल का FRP बाईपास कर सकते हैं जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट MIUI 14 से अप टू डेट होगा। बिल्कुल सेम टू सेम इसी मेथड से Redmi के उन सभी मोबाइल का FRP बाईपास होगा जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट MIUI 14 से अप टू डेट होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Redmi Note 12, ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि Gmail ID लॉक है। कनेक्ट टू नेटवर्क वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले करना क्या होगा, डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट करना होगा क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है। तो यहाँ पे डिवाइस को मैंने किसी वाईफाई से कनेक्ट किया, डिवाइस कनेक्ट हो गई। अब नीचे से करेंगे नेक्स्ट। कुछ सेकंड वेट करिए, आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है Redmi Note 12, ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि Gmail ID लॉक है। और ये देखिए, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जब आपकी डिवाइस FRP लॉक होती है, यानी कि Gmail ID लॉक होती है। डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन, ड्रा योर पैटर्न, यानी कि आपको ये पैटर्न ड्रा करना होगा जो कि हमको नहीं पता है। ध्यान दीजिए, पैटर्न की जगह पे पिन या पासवर्ड का भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पैटर्न का ऑप्शन है और पैटर्न हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखिए, यूज गूगल अकाउंट इंस्टीट, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। और अब देखिएगा यहाँ पे लिख के आएगा वेरीफाई योर अकाउंट, ये देखिए वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन आ गया। ओके, तो अब तो कंफर्म हो गया ना कि डिवाइस हमारी FRP लॉक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए हमें इसी डिवाइस का Gmail ID वेरीफाई करना होगा जो कि हमको नहीं पता है। ओके, तो अब देखिए कैसे इसका FRP बाईपास करेंगे। सबसे पहले ईमेल और फोन का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करें, आपके डिवाइस का कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड में ये सिंबल दिखेगा, आप सिंपल इस सिंबल पे क्लिक करें, उसके बाद नीचे आ जाएं। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मोर का, मोर पे क्लिक करें। उसके बाद आपको क्लिक करना है अबाउट पे, उसके बाद आप क्लिक करें प्राइवेसी पॉलिसी पे, तो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे नंबरिंग है, यहाँ पे आपको नीचे आना है 30 नंबर पेज पे। ध्यान दीजिए 30 नंबर पेज पे आप आएंगे, ठीक है। ये देखिए 30 नंबर पेज पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे ये ईमेल आईडी देखने को मिलेगा, आप सिंपल इस ईमेल आईडी पे क्लिक करें। ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों शेयर की बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा मैसेज, आप सिंपल मैसेज पे क्लिक करें। उसके बाद आपको सिंपल न्यू मैसेज पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए टाइप नेम फोन नंबर, तो यहाँ पे आपको सिंपल टाइप करना 121। 121 टाइप करने के बाद सेंड टू 121 का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करें तो आपका मैसेज बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट मैसेज में यहाँ पे आपको सिंपल टाइप करना है दोस्तों www.youtube.com, विदाउट स्पेस टाइप करना है और सब कुछ स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने टाइप किया www.youtube.com, मैं SMS पे क्लिक करूंगा। ऐसा करेंगे तो YouTube का ये लिंक दिखेगा, आप सिंपल इस लिंक पे क्लिक करिए तो आप देखेंगे आपके डिवाइस में YouTube का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये देखिए YouTube का एप्लीकेशन ओपन हो गया। ध्यान दीजिए जो भी परमिशंस आएंगे सारे परमिशंस को आपको अलाउ करना है। ओके, अब उसके बाद ऊपर की तरफ देखिए अकाउंट का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करें। उसके बाद आपको क्लिक करना है दोस्तों सेटिंग्स पे, उसके बाद आप क्लिक करें अबाउट पे, और उसके बाद क्लिक कर दें यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विसेज पे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों दो ब्राउजर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल क्रोम ब्राउजर पे क्लिक करना है, वेलकम टू क्रोम, क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा, एक्सेप्ट करिए, उसके बाद नो थैंक्स पे क्लिक करिए। ओके, वंस अगेन आप नो थैंक्स पे क्लिक कर दें, ब्राउजर पूरी तरह से ओपन हो गया। एड्रेस बॉक्स पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको सिंपल टाइप करना एड रोम, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। एड रोम टाइप करने के बाद यहाँ से एंटर करिए, यहाँ पे एक वेबसाइट दिखेगी बाईपास गूगल अकाउंट 2023, आप इस पे क्लिक करिए तो एड रोम की मेन वेबसाइट आपके डिवाइस में ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, सेकेंड एप्लीकेशन गूगल क्विक सर्च बॉक्स, आप इस पे क्लिक करें तो गूगल का क्विक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों ये माइक दिख रहा है, इस माइक पे क्लिक करना है और बोलना है ओपन शेयर मी, तो आपके डिवाइस में शेयर मी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस माइक पे क्लिक करता हूँ, ओपन शेयर मी, और ये देखिए दोस्तों फाइनली इस डिवाइस में शेयर मी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। एग्री कर दीजिए, यहाँ से परमिशंस जो भी आएंगे सारे परमिशंस को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको अलाउ करना है। तो यहाँ से परमिशन मैंने अलाउ किया और ये देखिए शेयर मी एप्लीकेशन पूरी तरह से ओपन हो गया। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है,
अब दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी एक एंड्रॉयड डिवाइस की, तो किसी भी ब्रांड की एक दूसरी डिवाइस आप ले लें। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक दूसरी डिवाइस ले ली है, ठीक है। और अब देखिए इस डिवाइस में आपको करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस डिवाइस में कोई भी जीमेल आईडी साइन इन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिवाइस में मैंने जीमेल आईडी साइन इन करके रखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ अकाउंट पे क्लिक करूंगा और ये देखिए pmsperfectmobile@gmail.com, ये जीमेल आईडी मैंने इसमें साइन इन करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपल प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पे आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। सबसे पहला एप्लीकेशन है दोस्तों एक्टिविटी लॉन्चर, डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एक्टिविटी लॉन्चर, ये एप्लीकेशन रहा, आप इसे सिंपल इंस्टॉल कर ले, ओके। अब दूसरा एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल करना है दोस्तों शेयर मी, ये सेम एप्लीकेशन आपको इसमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं इसे डिलीट करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल टाइप कर दूंगा दोस्तों शेयर मी, ठीक है। सर्च करूंगा, ये एप्लीकेशन ध्यान दीजिए इसका इंटरफेस बिल्कुल सेम है, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी जीमेल आईडी साइन इन करना है, उसके बाद दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं, एक्टिविटी लॉन्चर और शेयर मी, ओके। शेयर मी इंस्टॉल हो गया। अब देखिए आपको सिंपल शेयर मी को यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद सेटअप कर लीजिए, एग्री करिए, यहाँ से सिंपल आपको नो थैंक्स पे क्लिक करना है, यहाँ से सिंपल आप नेक्स्ट करिए, ओके। परमिशन ऑफ है, इसे ऑन करिए, उसके बाद यहाँ से बैक आइए। जो भी परमिशन रहेंगे दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सारे परमिशन को आपको सिंपल अलाउ करना, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों शेयर मी एप्लीकेशन ओपन हो गया, दोनों एप्लीकेशन का इंटरफेस बिल्कुल सेम है, ओके। अब ध्यान दीजिए, ये जो डिवाइस है दोस्तों ये लॉक्ड डिवाइस है, यानी कि रेडमी नोट 12, और ये दूसरी डिवाइस मैंने ली है, ठीक है। आपको रेडमी नोट 12 में करना क्या है, यहाँ से सिंपल आपको रिसीव पे क्लिक करना है, ओके। यहाँ पे देखेंगे कुछ परमिशंस आ गए, तो जो भी परमिशंस हैं आपको परमिशन को सिंपल अलाउ करना है, उसके बाद बैक आइए, ठीक है। यहाँ से टर्न ऑन पे क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए डिनाय अलाउ का ऑप्शन आ गया, आप अलाउ पे क्लिक कर दे, ठीक है। अब देखिए ये क्यूआर कोड आ गया, अब इसमें देखिए दोस्तों इसमें आपको सिंपल सेंड पे क्लिक करना है, तो सेंड पे क्लिक करिए, ओके। उसके बाद ऊपर की तरफ देखेंगे एप्स दिखेगा, एप्स पे क्लिक करिए, तो सारे एप्लीकेशन शो करने लगेंगे। एक्टिविटी लॉन्चर आपने इंस्टॉल किया था, ये इसे चेक करिए, ओके। उसके बाद सेंड पे क्लिक करिए, ठीक है। यहाँ कुछ परमिशन है, आप सिंपल सेटिंग पे क्लिक करिए, इसे ऑन करिए, उसके बाद बैक आइए और उसके बाद नेक्स्ट करिए। ये देखिए क्यूआर स्कैनर ओपन हो गया, इस क्यूआर कोड को आपको सिंपल स्कैन कर लेना है, तो मैं इसे स्कैन कर लेता हूँ, ओके। जैसे स्कैन करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपल कनेक्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो होगा क्या दोस्तों, एक्टिविटी लॉन्चर इस डिवाइस में सेंड हो जाएगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, आपके कमेंट्स आते हैं कि एक्टिविटी लॉन्चर सेंड नहीं हो रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे ऐसे गोल गोल राउंड करता है, ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता है। तो इसके लिए करना क्या होता है, आप करेंगे क्या, इस ऑप्शन को पूरी तरह से कैंसिल करेंगे और फिर दोबारा सेंड करेंगे दोस्तों। जब दोबारा सेंड करेंगे तो आप देखेंगे ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो दोबारा कैंसिल करके फिर से सेंड करिए, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो एक्टिविटी लॉन्चर सेंड हो गया, मैं इसे सिंपल इंस्टॉल कर लूंगा, ओके। उसके बाद रन का ऑप्शन है, रन पे क्लिक करूंगा, एक्टिविटी लॉन्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एक्टिविटी लॉन्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस तरीका से आप रेडमी के उन सभी मोबाइल का FRP बाईपास कर सकते हैं जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट MIUI 14 से अप टू डेट होगा। एक्टिविटी लॉन्चर ओपन हो गया, एंड्रॉइड सेटअप दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए सेटिंग लॉकर, सेटिंग लॉकर थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे ये जो ऑप्शन है बिल्कुल ब्लैंक है, इसके सामने ना तो सेटिंग है ना तो लॉकर है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एंड्रॉइड सेटअप इस डिवाइस में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेम एंड्रॉइड सेटअप इस डिवाइस में ओपन करना है, तो इसके लिए करना क्या होगा, ये देखिए गूगल का क्विक सर्च बॉक्स है, आपको इसका यूज करना होगा। अगर सपोज करिए कि ये गूगल का क्विक सर्च बॉक्स आपके डिवाइस में नहीं शो कर रहा है, तो आप देखेंगे दोस्तों आपके डिवाइस में गूगल शो करेगा, ठीक है। ये देखिए गूगल, ऐसा गूगल शो करेगा, दोनों चीजें सेम ही होती है, ठीक है। आपको करना क्या, ध्यान से सुनिए, इस माइक पे क्लिक करना है और बोलना है सेटअप माई डिवाइस, तो सेम एंड्रॉइड सेटअप इस डिवाइस में ओपन हो जाएगा। तो मैं माइक पे क्लिक करता हूँ, सेटअप माई डिवाइस, ये देखिए दोस्तों एंड्रॉइड सेटअप इस डिवाइस में भी ओपन हो गया। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, यहां से सिंपल आप स्टार्ट पे क्लिक कर दें, स्किप पे क्लिक कर दें, ओके, डोंट कॉपी नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, नो केबल आप इस पे क्लिक करिए, कॉपी विदाउट केबल आप इस पे क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए, ओके। यहां पे यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टीड इस पे क्लिक करना है, यहाँ से आप सिंपल नेक्स्ट करिए, वंस अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करिए, ये देखिए मॉडल नंबर शो कर दिया। अब इस डिवाइस में आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सर्चिंग फॉर डिवाइस, अब इस डिवाइस को ये सर्च कर लेगा,
ये देखिए सर्चिंग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कलर कोड बिल्कुल सेम है और नीचे तक जो 4 अंकों का कोड है बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से कैंसिल कॉपी, आप कॉपी पे क्लिक कर दें और ये देखिए कॉपी योर अकाउंट। होगा क्या, इस डिवाइस में जो जीमेल आईडी है ये डिवाइस पूरी तरह से कॉपी कर लेगा। ओके, ये देखिए कॉपी योर अकाउंट, इस डिवाइस में जो जीमेल आईडी है ना ये डिवाइस पूरी तरह से कॉपी कर लेगा। ये देखिए कॉपी कंप्लीट हो गया, यहाँ पे देखिए जीमेल आईडी शो कर रहा है, PMS परफेक्ट मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे बोला है इंटर पासवर्ड, यानी कि इसका पासवर्ड डालिए, तो इस जीमेल आईडी का पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। ओके, पासवर्ड मैंने एंटर किया, यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा, ये देखिए कॉपी योर अकाउंट। ठीक है, इस डिवाइस का जीमेल आईडी ये डिवाइस सक्सेसफुली पूरी तरह से कॉपी कर लेगा। यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगता है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, टॉकबैक मेथड वर्क नहीं कर रहा है, सेकंड स्पेस वाला जो मेथड है वो भी वर्क नहीं कर रहा है। इन सबका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इस तरीका से आप रेडमी के उन सभी मोबाइल का FRP बाईपास कर सकते हैं जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट MIUI 14 से अप टू डेट होगा। ये देखिए दोस्तों, ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको करना क्या, सारे को अनचेक करना है। ठीक है, सारे को अनचेक करिए, लेकिन डिवाइस सेटिंग को बस आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद आप कॉपी पे क्लिक कर दे, कॉपी योर डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वक्त लगेगा और ये देखिए दोस्तों कॉपी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ गूगल सर्विसेज के नीचे ये देखिए जीमेल आईडी शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से सिंपल आप एक्सेप्ट कर दें। ओके, ये देखिए पैटर्न पिन पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डिवाइस को रिबूट कर देना है। गूगल अकाउंट इसने कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ से आप बैक नहीं जा सकते, इसलिए आपको डिवाइस को रिबूट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो बैक नहीं जा पाएंगे बिल्कुल, ये देखिए एक्सेप्ट करेंगे, अब बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिवाइस को रिबूट कर देना है। तो यहाँ से मैंने डिवाइस को रिबूट यानी कि रिस्टार्ट कर दिया। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ रेडमी नोट 12 का FRP बाईपास करने का बिल्कुल लेटेस्ट तरीका, यानी कि डिवाइस का जीमेल आईडी लॉक रिमूव करने का बिल्कुल लेटेस्ट तरीका। और ध्यान दीजिए, इस तरीका से आप रेडमी के उन सभी मोबाइल का FRP बाईपास कर सकते हैं जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट MIUI 14 से अप टू डेट होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मुझे जरूर सपोर्ट करें, सपोर्ट करने की इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और दोस्तों अगर आपको डिवाइस परचेज करनी हो रेडमी नोट 12 तो इसके सारे कलर सारे वेरिएंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। डिवाइस को मैंने रिबूट किया, कुछ सेकंड वेट करिए। ये देखिए दोस्तों डिवाइस रिबूट होकर पूरी तरह से एक्टिव हो गई और वाईफाई से कनेक्ट भी हो गए। ठीक है, अब आपको सेटअप करना है तो चलिए सेटअप करते हैं। यहां से सिंपल नेक्स्ट करेंगे। अभी देखेंगे दोस्तों अकाउंट एडेड का मैसेज आएगा, जो जीमेल आईडी इस डिवाइस में है सेम जीमेल आईडी इस डिवाइस में ऐड हो जाएगी। तो अभी मैं इसका जीमेल आईडी ओपन कर लेता हूं ताकि आपको कंफर्म कर सकूं। ये देखिए अकाउंट एडेड का मैसेज आ गया। ठीक है, यहाँ सेटिंग और ये देखिए ये सेम जीमेल आईडी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, आप सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करें। एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको यही एंड्रॉयड सेटअप 2 बार करना होता है। ठीक है, आपको सेम एंड्रॉइड सेटअप 2 बार करना होगा, यहां से आप स्किप करिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, जब ये सेटअप मैं कंप्लीट करूंगा तो उसके बाद फिर से आपको एक बार सेटअप करना होगा। तो 2 बार आपको एंड्रॉइड सेटअप कंप्लीट करना होता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे स्टेप्स को फॉलो करिए और एंड्रॉइड सेटअप को कंप्लीट करिए। आपकी डिवाइस रेडमी नोट 12 का FRP यानी कि जीमेल आईडी लॉक पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। यहां से इस ऑप्शन को आप सिंपल स्किप कर दें, नो थैंक्स पे क्लिक करें। ओके, ये देखिए कॉपी डन, आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। गेटिंग योर फोन रेडी, अभी देखिएगा कुछ सेकंड वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिक बैक आ जाएगा होम स्क्रीन पे। ये ऑटोमेटिक बैक आ जाएगा दोस्तों बिल्कुल होम स्क्रीन पे। यहां से सिंपल आप नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, स्किप करिए, नेक्स्ट करिए, प्रिपेयरिंग सिस्टम, अभी देखिएगा ऑटोमेटिक बैक आ जाएगा दोस्तों होम स्क्रीन पे। और ये देखिए सेटअप कंप्लीट, आप इस एरो पे क्लिक करिए। ओके, और ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल बैक आ गया होम स्क्रीन पे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि 2 बार सेटअप करना होगा। ठीक है, तो अब हम सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं। फिलहाल हमारे डिवाइस का FRP पूरी तरह से बाईपास हो चुका है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों 2 बार आपको सेटअप करना होता है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे स्टेप्स को फॉलो करिए। आपके डिवाइस रेडमी नोट 12 का FRP यानी कि जीमेल आईडी लॉक पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आपको सेटअप 2 बार करना होता है। ठीक है, ये देखिए अकाउंट एडिट का मैसेज आ गया, नेक्स्ट करिए, मोर करिए, मोर करिए, एक्सेप्ट करिए, इस ऑप्शन को आप सिंपल स्किप करिए, कंटिन्यू करिए, स्किप करिए,
नो थैंक्स पे क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, यहां से इस ऑप्शन को स्किप करिए, नेक्स्ट करिए, सेटअप कंप्लीट, इस एरो पे क्लिक करिए और बस आपकी डिवाइस रेडमी नोट 12 का FRP लॉक यानी कि जीमेल आईडी लॉक पूरी तरह से बाईपास हो गया, डिवाइस आपकी कंप्लीट अनलॉक हो गई। इसका एंड्रॉइड वर्जन और सॉफ्टवेयर मैं आपको चेक करा देता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ओके, अबाउट फोन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं डिवाइस का सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट MIUI 14.0.4 से अप टू डेट है। एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं दोस्तों तो डिवाइस का सॉफ्टवेयर ये देखिए 13, बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 से अप टू डेट है। इसलिए मैंने आपको रिपीट किया दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप रेडमी के उन सभी मोबाइल का FRP बाईपास कर सकते हैं जिनका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट MIUI 14 से अप टू डेट होगा। अकाउंट दोस्तों मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया, अकाउंट पे क्लिक करते हैं, गूगल पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए दोनों जीमेल आईडी बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल न भूले और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस की कंटिन्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। और दोस्तों अगर आपको डिवाइस परचेज करनी हो रेडमी नोट 12 तो इसके सारे कलर सारे वेरियंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।